अभी ले चलते हैं आपको एप्पल मोबाइल स्टोर और दिखाते हैं आपको भूटान के अंदर एप्पल मोबाइल का प्राइस क्या है, कितना डिफरेंस है इंडिया से, सस्ता या महंगा है। वो अब आपको लेकर चलते हैं भूटान की सब्जी मंडी, जहाँ पर फल फ्रूट वगैरह आप ले सकते हो और घर के लिए सब्जी ले सकते हो। कुछ इस प्रकार का दोस्तों आप देख सकते हो मोजियन वेजिटेबल मार्केट है थिम्पू। तो ये देखो अब चलते करते हैं अंदर एंट्री। ये यहाँ पर देख सकते हो सेब भी है और संतरा भी है और यहाँ पर कुछ सब्जी भी रखी हुई है। ये देखो सब पैक है। आम अब भी मिल रहा है, अब महीना चल रहा है नवंबर दिसंबर लगने वाला, और आम अब भी देख सकते हो आप। ये देख सकते हो तो हम चारों तरफ घूम के दिखाते हैं भाई आपको। और ये केला देख सकते हो कच्चा भी है भूखा भी। आम देखो अभी पाजी अब भी आम मिल रहे हैं आम। हाँ प्राइस तो पूछ एक बार। अच्छा समाल देख कैसी आ रही है ये सूखी मछली, चिकन मार्केट चिकन वाली कह सकते हो भाई। ये सारी मछलियाँ हैं ये देख सकते हो सभी सुखा रखी हैं। हाउ मच रेट? 150 1 kg 1 kg 150 रुपये किलो। और ये संतरा किन्नू 250 किन्नू किलो के जी है ना। अनार नहीं मैंगो मैंगो 300 अभी बहुत एक्सपेंसिव है भाई इंडिया ही ठीक है। आप रेट सुन सकते हो भाई, रेट सुनने के बाद ऐसा लगेगा इंडिया ही ठीक है सब 50-100 लास्ट 120-150 उससे नीचे नहीं मिलेगा आपको। अभी ले चलते हैं आपको एप्पल मोबाइल स्टोर और दिखाते हैं आपको भूटान के अंदर एप्पल मोबाइल का प्राइस क्या है, कितना डिफरेंस है इंडिया से, सस्ता या महंगा है। हाँ 14 प्रो कितने का है? सस्ता दिखे हमने 14 प्रो गोल्ड हाउ मच? 1,04,000 128 है ठीक है फिर 14 प्रो। हाँ गोल्ड है गोल्ड और पर्पल प्रो प्रो मैक्स प्रो मैक्स यस प्रो मैक्स का रेट ज्यादा है। तो ये देख सकते हो भैया 14 प्रो है और 14 प्रो का जो प्राइस है 1,04,999 है। तो अपने कम अपने क्या बताता हूँ मैं आपको देख के आप कंपेयर वैसे आप भी कर सकते हो। ये 14 प्रो 128 में है तो ये देख सकते हो ये है 14 प्रो मैक्स गोल्ड कलर में 128 GB में है। उसका जो प्राइस है 1,14,999 1,15,000 कह सकते हो। और दोस्तों ये 14 प्रो मैक्स है बाकी मैं इसके अच्छे अच्छा एडाप्टर भी मिलेगा इसके साथ में। ये हांगकांग मॉडल है जापान मॉडल यूएस मॉडल ओके चलेगा नहीं ओके ओके ये ये फिजिकल सिम है या वो ई सिम है? इसके अंदर सिर्फ जो सिम डलेगी वो फिजिकली डलेगी दोनों फिजिकली टू सिम फिजिकली नहीं है, सिंगल सिम है ये। अच्छा अच्छा तभी तभी सिंगल का तो तभी थोड़ा प्राइस कम है तभी प्राइस कम है सिंगल का। सारों में सिंगल सिम है क्या? सिम के लिए तो अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा वो तो हांगकांग से आएगा। हां वो फिजिक वो दोनों के अंदर फिजिकल सिम होती है। उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। 8000 का प्राइस का फर्क होगा। 8000 का 5000 ठीक। तो एप्पल स्टोर से हम आ गए हैं भाई अभी बाहर। जो प्राइस आपने देखे दोस्तों थोड़ा हाँ अगर आपके नहीं समझा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस है दोस्तों आपके लेकिन उसकी कमी डिफरेंस का कारण बताऊँगा क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर 14 प्रो मैक्स 256 में है 1,15,000 रुपये का जो कि इंडिया के अंदर पड़ता 1,38,000-39,000 रुपये करीब पड़ेगा आपको। वैसे ही 14 प्रो है वो 1,07,000 या 1,05,000 रुपये का है। तो उनकी अब मैं बताता हूँ कमी क्या। प्राइस सस्ते हैं दोस्तों इंडिया से सस्ते हैं भूटान के अंदर इंडिया से सस्ते एप्पल मोबाइल हैं मोबाइल फ़ोन हैं प्राइस सस्ते हैं। लेकिन कारण बताता हूँ क्या है। उनके अंदर एक ही सिम डलती है फिजिकली
और ना यह हांगकॉन्ग मॉडल है, ये इस मॉडल है, इसके अंदर सारे सिंगापुर मॉडल है, जो सिंगापुर से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भूटान के अंदर आती है। तो ये थोड़ी उसके अंदर कमी है, तो ये डिफरेंस है भाई दोनों के अंदर, भूटान और इंडिया के प्राइस के अंदर। लेकिन इंडिया से सस्ते हैं, जिसका एक सिम के अंदर काम चलता हो तो वो भूटान आकर भाई एप्पल का मोबाइल खरीद सकता है और अपने कम से कम जाता नहीं 20 से 25 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये बचा सकता है। तो अभी आ गए हैं बाहर और आगे जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं भाई क्या मार्केट मिलती है, किस में जाते हैं। अभी एक मार्केट के अंदर आए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर कपड़े बैग जूते मतलब स्मॉल स्मॉल कई दुकान है 8-10। तो जो बैग ले रहे थे वहाँ पर टांगना पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि वो बहुत परेशान करे ये रहे निकली हैं। हाँ फिर एक बार देख इनको कैसे हैं, और पूछो रोक तो दिखा देगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बैग परचेज करने, ये देखो एक ये रहा सरदार जी, ये देखो कार के बैग भाई, क्वालिटी चेक कर लेते हैं, अगर क्वालिटी हमारे लायक होगी पसंद होगी तो ले लेंगे, वरना छोड़ देंगे, फिर वियतनाम से लेके आएंगे। वियतनाम में दोस्तों अच्छे अच्छे हैं, खुद कुछ इस प्रकार की मार्केट है। ये देखो यहाँ पर बच्चों के खिलौने भी हैं और ये सारी सारी खिलौनी, और यहाँ पर आप सर्दी का सामान दे स्वेटर वगैरह ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है भाई। अब मैं रेफर करूँगा, जो भी खरीदो इंडिया से खरीदो। रेट पूछिए इनका। तो अभी आए हैं भाई एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, दीपा रेस्टोरेंट, देखते हैं इंडियन खाना मिलता है मिलता है। यही है बाहर तो लगा रखा है ऐसा भाई, लेकिन अंदर कुछ नहीं ऐसा। आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चाउमीन और मोमोज ऐसी चीज़ें हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं भाई कोई इंडियन खाना, चपाती वगैरह मिल जाए तो देखते हैं मिलती या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलेगी भाई हम होटल में देखेंगे क्या मिलता है, होटल में ही खाएंगे अपने। तो अभी आकर बैठ गए हैं अन्ना रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर दोस्तों मेनू उठा के लगी, मैंने दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर रोटी चपाती पूरी कुछ नहीं है, सिर्फ इन कजिन की जोड़ी से वो खानी पड़ेगी। अब देखें, तीन ऑर्डर तो किया हमने, 3 प्लेट फुलके से या ब्रेड हुआ कह सकते हो, छोले भटूरे कुछ टाइप में ऐसे थे, कुलचा टाइप कुछ ऐसे थे। देखते हैं भाई आएगा क्या खाने में, कैसा टेस्ट है। बाकी बैठे और खाकर यहाँ से सीधा चलते हैं भाई टैक्सी और होटल में मिलते हैं आपसे, फिर मिलते। जैसा था भाई सारा मांझ दिया, कुछ बचा अपने साथ रख लिया, पर कुत्ते को फेंक देंगे। बाकी अब चलते हैं यहाँ से।